तो कल के मैच में हम सभी ने मिनी जीएल से लेकर के मेगा जीएल तक के पैसे कमाए, हमारा एक यूजर भी नहीं हारा। आज एक बार फिर से लेजेंड T20 मैच को कवर करेंगे। सबसे पहले यहां से तिलक ने दिलशान को लेकर के चलेंगे, जो कि श्रीलंका का काफी बड़े लेवल का प्लेयर है। और श्रीलंका के बड़े लेवल का प्लेयर ना होकर के भी ना, इससे पहले वाला जो लेजेंड का इस तरह सीरीज खेला है ना, वहां पे कमाल का परफॉर्म किया हुआ, यानी कि बिल्कुल भी फॉर्म में ऐसा नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल ही फॉर्म में है। आपको रन कभी भी बना करके दे सकता है अपने दम के ऊपर, अपने दम को BHK की टीम को कभी भी मैच जिता करके ले जाएगा। तो जरूरी प्लेयर रहेगा, अगर आपको रिस्क लेना ही है, अगर आपको मन है तो आप पार्थिव पटेल को ना लेकर के तिलक ने दिलशान को लेकर के जरूर चलना, भले ही आप पी पटेल को लो या ना लो। पी पटेल जो है ना इस समय गुजरात जायंट्स की टीम को से कप्तानी कर रहा है, बल्लेबाजी में नंबर 4 पे भी आ रहा है और इस समय ऐसा विकेट कीपर भी खेल रहा है, कीपिंग भी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको फ्री के भी पॉइंट्स दिला करके जाएगा। कहीं से भी खराब प्लेयर नहीं है, अगर आपका लेने का मन है आप इसको जरूर ले सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं इसके ऊपर रिस्क ले रहा हूं। क्यों रिस्क ले रहा हूं ये आगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। एक रीजन नहीं है इसको निकालने का, काफी सारे रीजन है। सबसे पहले यहां से आपको एस मीरे को लेकर के चलना है। अगर आपने आखिरी वाले मैच में अगर आपने लाइव मैच देखा होगा तो साफ आपको ये क्लियर हुआ होगा कि मीरे ने जिस तरीके से लंबे लंबे छक्के चौके मारे ना, साफ ये नजर आ रहा था कि ये प्लेयर काफी अच्छा है, भले ही कमजोर टीम का है, जिम्बाब्वे का है, लेकिन ये प्लेयर में दम है। आखिरी वाले मैच 40 बॉल पे 70 रन बनाया, जब मैं इसको देख रहा था तो मेरा मन ये कर रहा था कि जल्दी से जल्दी यूसुफ पठान और इरफान पठान आए, लेकिन उससे पहले ही एस मीरे ने कमाल की बल्लेबाजी करके दिया। वापस से लेकर के चलेंगे यूसुफ पठान, अगर आपको नहीं लेने का मन है ना आप ना भी ले सकते हो। क्यों? दो रीजन है। पहला कि हर बॉल पे छक्के मारने को जा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। पहली बॉल पे ही छक्का मारा आखिरी वाले मैच में, पहली बॉल पे स्पिनर था सामने, वहां पे आगे बढ़ के छक्का मारा। तो ये चीज को आपको ध्यान देना कि हर बॉल पे कोई प्लेयर छक्के नहीं मार सकता, तो हो सकता है कि इसका बल्लेबाजी क्रम भी काफी नीचे है, हो सकता है कि फ्लॉप भी हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं BHK की टीम इस सीरीज में सबसे मजबूत टीमों में से एक है। क्यों? क्योंकि शुरू के ओवर्स में एस मीरे रन बनाएगा, आखिरी के ओवर्स में यूसुफ पठान और इरफान पठान, जिसने 19 बॉल पे 65 रन बनाया। इस समय इरफान पठान BHK की टीम ओर से कप्तानी भी कर रहा है, बल्लेबाजी में भी नंबर 6 पे आ रहा है और आखिरी के ओवर में आपको बॉल भी करके देने वाला है, जो कि आपको 2 ओवर के करीब बॉल भी करेगा। तो कहीं ना कहीं आपके लिए इरफान पठान आपके लिए कैप ऑफ इसी के लिए सबसे सही ऑप्शन रहने वाला है। अगर मैं यहां से एक ऐसा प्लेयर है जिसके बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है, जिसका नाम है ईश्वर चौधरी, अगर गुजरात की टीम पहले बॉलिंग कर रही है ना, वहां पर आप इसके ऊपर रिस्क ले सकते हो, क्योंकि इसने हालिया दिनों में जो इसने डोमेस्टिक लेवल का मैचेस खेल रखे हैं वहां पर इसने गजब का परफॉर्म किया हुआ है, कहीं पर भी फ्लॉप नहीं हुआ है, वहां पर काफी अच्छी बॉलिंग करके आया हुआ है, यहां पर भी पहले वाले मैच में इसने 4 ओवर पूरा किया हुआ है, यानी कि ऐसा बॉलर आपको कभी भी अच्छी बॉल करके दे सकता है। अगर इसकी टीम पहले बॉल कर रही है वहां पे गजब का प्लेयर रह सकता है, लेकर के चलने का मन आप लेकर के जरूर चलना। जे करिया ओवर इसके कम कर रहे हैं, कई बार ये 2 ओवर करेगा, कई बार 3 ही ओवर करेगा, अभी मैं इसको लेकर के नहीं चल रहा हूं। आई अब्दुल्ला का भी सेम वही है, इसके भी ओवर कम किए जा रहे हैं, लेकिन ये भी कोई खराब प्लेयर नहीं है। आखिरी के 6 मैच में इसको भी 8 विकेट मिला हुआ है। अभी के लिए मैं आपको कहूंगा अनुप्रीत सिंह, ये अपने जरूरी बॉलर है, इसका जो हालिया दिन का फॉर्म है वो काफी गजब का है और इसने जो है ना लो लेवल के क्रिकेट के ऊपर कमाल की बॉल किया हुआ है, भले ही अभी ज्यादा समय से क्रिकेट इसने छोड़ा भी नहीं है, अभी रिसेंटली मैचेस खेल रहा था, तो यहां पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि फॉर्म में नहीं है, अभी रिसेंटली ही मैचेस खेल करके आया हुआ है, लेकर के चल लेना, क्योंकि BHK एक टीम के जीतने की भी चांस है, तो वहां पे कमाल की आपको बॉल करके जरूर देगा, 4 ओवर पूरा करके देने वाला है। सबसे पहले मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, जैसे ही टॉस होगा ना मेरी टीम में बहुत सारे चेंज होंगे, लाइनअप आएगा, उसके बाद जो भी मेरी खुद की फाइनल टीम होगी जिससे भी मैं खुद अपने पैसे लगाऊंगा,
वो टीम मैं अपने टेलीग्राम और चैनल को आपको फ्री में अपनी फाइनल टीम भेज दूंगा। हमारे चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन बॉक्स में पिन किया हुआ लिंक मिल जाएगा, जहां से आप फ्री में ज्वाइन हो पाओगे। ना मिले तो सीधे सीधे कमेंट करके पूछ लेना, उसका भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा, यानी कि आपके पास लिंक भेज दूंगा। चलो वापस आओ, सबसे पहले बॉलिंग ऑप्शन है आर एमरित, जो कि बांग्लादेश का बॉलर है और बांग्लादेश बीपीएल में काफी मैचेस खेलता है, पाकिस्तान का प्लेयर है, बीपीएल में काफी मैच खेलता है और पाकिस्तान के भी पीएसएल में भी काफी मैच खेलता है। मैं आपको एक ही चीज कहूंगा ना कि वेस्ट इंडीज का ये जो बॉलर है कभी भी आपको कमाल की बॉल करके दे सकता है। क्यों? क्योंकि पीएसएल में भी खेलता है, बीपीएल में भी खेलता है ना, वेस्ट इंडीज के भी लीग में खेलता है, टी10 के जो मैचेस रात में होते हैं है ना, वहां पर भी ये खेलेगा, वहां पर भी 3-4 सालों से खेल रहा है, यानी कि हालिया दिनों में इसने मैच काफी खेले हुए हैं, तो लेकर के चल लेना। टी जॉनसन कभी भी फ्लॉप नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर गुजरात की टीम पहले बॉल करिए जरूर लेकर के चलना। इसका हालिया दिन का फॉर्म काफी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे कई ऐसे प्लेयर भी खेल रहे हैं जिन्होंने काफी सालों से क्रिकेट खेला ही नहीं है, तो उन प्लेयर्स को आपको ज्यादा ध्यान देना है जो हमेशा ही मैच कहीं ना कहीं खेलते रहते हैं। उन्हीं में से एक है टी जॉनसन, कहीं से भी खराब नहीं है, पहले मैच में गजब की बॉल किया हुआ है। एस बेन पहले मैच में एक ही ओवर किया हुआ है, टी एस मुर्तब अभी लेकर के चलने का कोई भी जरूरत नहीं है, भले इसकी टीम मैच जीतेगी लेकिन इसके ओवर कम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप गुजरात की टीम की ओर से देखोगे काफी बॉलर है, आर एमरित हो गया, टी जॉनसन हो गया, एस यहां से लद्दा हो गया है ना, एस बेन हो गया, चार बॉलर हो गए, यहां से हो गया आर भाटिया हो गया, ईश्वर चौधरी हो गया, छह बॉलर हो गए, यहां से कभी भी जैक कैलिस भी बॉल कर सकता है, कभी भी केविन ओब्रायन भी बॉल कर सकता है, तो छह बॉलर पहले ही है और दो बॉलर ऐसे भी है जो कि बॉल कर सकते हैं, तो काफी सारे बॉलिंग ऑप्शन है। बीएचके की ओर से रजत शर्मा है और टी यहां से मुर्तब है और उसके अलावा यहां से इरफान पठान है, अनुरीत सिंह है, आई अब्दुल्ला है, जे करिया है और उसके अलावा यहां से यूसुफ पठान भी कभी भी बॉल कर सकता है, तो इनके पास भी काफी सारे बॉलर हैं। तो यही रीजन है कि अभी मैं इनको लेकर के नहीं चल रहा हूं, अभी के लिए मैं मेनली जो बॉलर तीन ओवर कम से कम तीन ओवर बॉल करेंगे उन्हीं को आपको लेकर के चलने की कोशिश करना है, जैसे कि रजत शर्मा हो गया। यहां से मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, अगर गुजरात की टीम पहले बॉल कर रही है तो वहां पर एस लद्दा अच्छी बॉल कर सकता है, क्योंकि ये सब मैच हो रहा है ना, ये हो रहा है रांची में, रांची में ऐसा नहीं है कि स्पिनर को बॉल तोड़ना नहीं होगी, रांची में बॉल काफी स्पिन भी होती है, लेकिन यहां पर हाई स्कोरिंग गेम होगा, यहां पर रन बनाना काफी आसान है, तो बल्लेबाजों के ऊपर आपको ध्यान दे करके चलना है। अभी के लिए मैं यहां से आर भाटिया को लेकर के चल रहा हूं, अगर गुजरात की टीम पहले बॉल कर रही है वहां पर मैं ईश्वर चौधरी को लूंगा, वही अगर गुजरात की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है तो वहां पर मैं पार्थिव पटेल को ले लूंगा, जो कि गुजरात की टीम की ओर से कप्तानी कर रहा है, बल्लेबाजी में नंबर चार पे आ रहा है, ऐसा विकेट कीपर कैच रन आउट स्टंपिंग भी आपको करके दे सकता है। इसके अलावा बल्लेबाजी ऑप्शन में क्रिस गेल आखिरी वाले मैच में एज अ सब्स्टिट्यूट प्लेयर आया, लेंडल सिमेंस, ये दोनों बल्लेबाजी में सब्स्टिट्यूट प्लेयर आए और दोनों अपनी अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी में एज अ ओपनर आ गए और दोनों में से कोई भी खराब प्लेयर नहीं है। एल सिमंस ने अभी हालिया दिनों में मैचेस खेल करके आ रहा है और वहां पे काफी अच्छा परफॉर्म भी किया है। केविन ओब्रायन इससे पहले जो इसने लेजेंड की सीरीज खेला है ना, वहां पे गजब का परफॉर्म करके आया, एक मैच अभी भी मुझे याद है जहां इसने 90 रन के करीब बनाया। यहां से आर लेवी बल्लेबाजी में नंबर चार पे आएगा और रवि बिस्ट बल्लेबाजी में नंबर तीन पे आएगा। अभी इनके ऊपर मैं रिस्क लेकर के नहीं चल रहा हूं, मेरा मन यह है कि मैं क्रिस गेल को लेकर के चल लूं, अगर क्योंकि यहाँ पे हाई स्कोरिंग गेम हो रहा है, यहां पर रन बनाना काफी आसान है, तो क्रिस गेल आपको खड़े खड़े लंबे लंबे छक्के मार करके दे सकता है।
जैक कैलिस को लेकर के चलूंगा, जो कि साउथ अफ्रीका का एक ऐसा बल्लेबाज है जिसने साउथ अफ्रीका के लिए काफी बड़े लेवल पे परफॉर्म करके दिया हुआ है। इंटरनेशनल लेवल का इसने 13,000 से भी ज्यादा रन बनाए हुए हैं और एक बड़े लेवल का बल्लेबाज तो है ही है, बॉलर भी काफी अच्छा है, लेकिन इस समय बॉलिंग ओवर मिल नहीं रहा है, मेनली बल्लेबाजी में आपको रन बना करके देगा। अब आपको ध्यान ये देना है कि यहां से आपको पार्थिव पटेल हो गया, यहां से आपके लिए यूसुफ पठान हो गया, क्योंकि इसका बल्लेबाजी क्रम काफी नीचे है। एक अकेला ये रीजन है कि मैं इसको शायद से लेकर के ना चलूं। लेंदे सिमस बल्लेबाजी में ओपनर आ रहा है, केविन ओब्रायन बल्लेबाजी में नंबर 4 पे आ रहा है। ये जो तीन बल्लेबाज है ना, यूसुफ पठान, लेंदे सिमस और केविन ओब्रायन, ये तीनों में से आपको किसी एक के ऊपर रिस्क लेकर के चलना है। अगर यहाँ पे आपने सही से रिस्क ले लिया, आप आसानी से पैसे कमा पाओगे। अभी के लिए मैं ऐसे केविन ओब्रायन को लेकर के चल रहा हूं। अगर इसकी टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है, वहां पे समझ लो कि केविन ओब्रायन आपको कभी भी 70-80 रन भी बना करके दे सकता है। तो कहीं से भी खराब प्लेयर नहीं है और हालिया दिनों में इसने काफी अच्छी बल्लेबाजी भी करके दिया हुआ है लेजेंड के मैचेस में। अभी के लिए मैं सोच ही रहा हूं कि ऐसे कैप इरफान पठान को ही लेकर के चला जाए। वीसी के लिए आपके लिए दो अच्छे प्लेयर रहेंगे, जिनमें पहला नाम है तिलकने दिलसान का, ये भी कभी भी फॉर्म में नजर आ सकता है, और दूसरा नाम है यहां से जिसका नाम है यहाँ से जैक कैलिस का। जैक कैलिस भी आपको कभी भी हालिया दिनों में काफी अच्छा है तो मैचेस नहीं खेला है, लेकिन जिस तरीके के फॉर्म में पहले मैच में नजर आया है, कभी भी आपको अच्छी बल्लेबाजी करके दे सकता है। ये एक हमारे एनालिसिस बेस की टीम है, फाइनल टीम जो भी होगी जिससे भी मैं खुद अपने पैसे लगाऊंगा, वो टीम मैं अपने टेलीग्राम चैनल को आपको फ्री में अपनी फाइनल टीम भेज दूंगा। हमारे चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन बॉक्स में पिन किया हुआ लिंक मिल जाएगा, जहां से आप फ्री में ज्वाइन हो पाओगे। ना मिले तो सीधे सीधे कमेंट सेक्शन बॉक्स से जाना, सबसे पहला आपको जो कमेंट पिन किया हुआ देखने को मिलेगा उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, फ्री में ज्वाइन करना मत भूलना। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे चैनल पे पहली बार आए हो, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे आने वाले सारे मैचेस की फाइनल टीम आपको इसी चैनल को मिल जाएगी।